एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज है चौथा दिन, लेकिन चौतरफा हमले के बावजूद अब तक रूस की रेड आर्मी राजधानी कीव पर कब्जे के लिए जूझ रही है। इस जंग में रूस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और राष्ट्रपति पुतिन ने जिस मंसूबे के साथ अपनी सेना को यूक्रेन भेजा था, वो अब मझधार में फंसती हुई ये सेना नजर आ रही है। बड़ी बात आपको बता रहे हैं, कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर जबरदस्त बमबारी जारी है। दूसरी बड़ी बात यह कि कीव में घुसे रूसी टैंक, अब आमने सामने की लड़ाई यहां पर यूक्रेन और रूस के बीच हो रही है। कीव पर फिर मिसाइल हमले का डर, चेतावनी जारी कर दी गई है। सायरन के बीच दहशत में लोग रहने को मजबूर है। चेर्नोबिल के बाद जेपोरिजिया परमाणु प्लांट पर, यानी कि एक और न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने रूसी SU-30 विमान को मार गिराया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि जो रूस के विमान है उनको भी लगातार मार गिराया जा रहा है। यूक्रेन की सेना और खासकर वहां के लोगों का हौसला रूस की जीत में दीवार बनकर अब खड़ा हो गया है। आज तस्वीरें भी आपको हम बता रहे हैं, रूसी हेलीकॉप्टर को ढेर कर दिया गया, बम बनाते नागरिक नजर आ रहे हैं, रूसी विमान को गिराया गया है और जज्बे और जोश के साथ यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ABP News आपको रखे आगे।